हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं दोस्तों कहना चाहता था कि मैं भी गार्डनिंग का शौक़ रखता हूँ। आप लोग भी रखते होंगे, बिल्कुल रखते होंगे। गार्डनिंग किसको नहीं पसंद होती, सबको अच्छा लगता है पेड़ पौधे लगाना। मैंने भी अपने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन सा है, यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं। मैं फलों के पेड़ लगाना बहुत पसंद करता हूँ। और आज जो जो पेड़ मैंने लगाए हैं वो अब थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं। अभी मैं उनका वीडियो बना के एक डालूँगा और फिर उसके कुछ महीनों बाद दूसरा वीडियो उनका बनाऊँगा। देखेंगे कितना चेंजेस आएगा पेड़ों में, कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और अभी वो कितने छोटे हैं, ये देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने बगीचे पर। मैंने यहाँ पे कुछ फलों के पेड़ लगाए हैं। सबसे पहला फल का पेड़ है हमारा संतरे का, ऑरेंज का पेड़। ये साइकिल टिकी हुई है इसी पेड़ से। ये मैंने बहुत पहले लगाया था, इसे लगभग 2-3 साल हो गए हैं। और अभी हाल ही में मैंने यहाँ 1-2 महीने पहले ये यहाँ पे अंगूर की एक कलम लगाई थी, जो अभी थोड़ी अच्छी 2-3 पत्ते निकल आए हैं इसके। और अब ये बिल्कुल तैयार है बढ़ने के लिए। हम देखेंगे इसे 2-3 महीने बाद कैसी हो जाती है। अभी तो फिलहाल ये 2-3 पत्ते ही आए हैं इसमें, तो अभी ये प्रोग्रेस पर है, अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। इसके बाद देख लेते हैं, ये सुगंधरी का पेड़ है, इसे 2-3 साल हो गए हैं और ये अभी भी अच्छी खासी अच्छे फूल देती है। सर्दियों में बहुत सारे फल फूल होते हैं इसके, बहुत सुगंधित और अच्छा लगता है देखने में ये पेड़। इसके बाद ये अमरूद का पेड़ है, इसे भी 2 साल हो गए हैं और 2 साल में इसने अच्छी खासी हाइट पकड़ी है। और मैंने तो इसके कई फल भी खाए हैं, 2-3 बार इसके अमरूद भी खा चुका हूँ। बहुत ही मीठे फल हैं इसके अमरूद, इसमें बहुत सारे अमरूद लगते हैं ये तो। और अगला पेड़ है हमारा नींबू का पेड़ है। खैर इसमें अभी तक नींबू नहीं लगे हैं, शायद इस साल इसमें नींबू लग सकते हैं, अभी तक फूल वगैरह नहीं आए हैं। उसके बाद ये हमारा है सीताफल का पेड़, इसको हमने ट्रांसफ़र किया है, एक जगह से दूसरी जगह लगाया है। इतने ही बड़े होने के बाद ये अगला पेड़ है आम का पेड़ है, ये अभी बहुत छोटा है, इसी साल लगाया था। अभी तो ये बढ़ेगा, देखते हैं 1-2 साल बाद ही इसका कुछ रिजल्ट आएगा। ये अगला पेड़ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ है, ये है बेलपत्री का पेड़, जो शिव शंकर के शंकर जी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं ये वही है। अभी इसमें छोटी छोटी 2-3 पत्तियाँ आई हैं, ये लगाए हुए मुझे लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। अभी तक इसकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो रही है, देखते हैं कब तक ये होता है सही से। इसके बाद ये छोटे वाले टमाटर का पेड़ है एक, ये मैं दिखा दूँ, इसके टमाटर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट टमाटर के पेड़, इसमें छोटे छोटे टमाटर होते हैं, ये शायद ही आपने देखे होंगे, पर ये बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर होते हैं इसमें, बहुत लोगों के यहाँ होते भी हैं ये। देखिए ये किस तरह से, बहुत ये स्वादिष्ट लगता है ये टमाटर, वैसे ही टमाटर लगता है ना जैसे बड़ा वाला, वैसे ही ये छोटा भी टमाटर वैसा ही लगता है। अच्छा है ये टमाटर, खा के देखिएगा। मैं खा के देख लेता हूँ, फिलहाल तो मेरे पास है अभी, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये पपीता का पेड़ है, ये पपीता का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। और इसके पीछे जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी भिंडी की खेती होती है, ये भिंडी का खेत है, यहाँ पे भिंडी की खेती होती है। देख सकते हैं ये भिंडी का पेड़ लगे हुए हैं, भिंडी सब्जी आपने देखी होगी, ये सारे भिंडी का खेत है। ये हमारा पपीता का पेड़ है, ये दोस्तों मेरा है, मैंने लगाया इसे और ये अभी बढ़ गया है। इसके बाद हमारे पास ऐसे 2 पपीता के पेड़ और लगे हुए हैं जिनमें फल भी लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी आधे कच्चे हैं, पके नहीं है पूरी तरह, अभी ये कच्चे हैं दोस्तों, पक जाएंगे तो हम इन्हें खा सकते हैं। और एक और पेड़ और है, गर्मियों में इसके भी, ये गर्मियों में पक जाते हैं, लेकिन अभी ये, हाँ ये वाला पक गया है दोस्तों,
तो ये वाला हम खा सकते हैं। हाँ, ये वाला पपीता पक चुका है और इसमें एक और लगा हुआ है, ये वाला भी पक चुका है दोस्तों, हम इसे भी खा सकते हैं। तो चलो, आज के लिए तो दो फल मिल गए हैं, अभी ये पक चुके हैं, ये बाकी अभी कच्चे हैं, तो इनके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अभी कच्चे हैं और नए नए फल भी आ रहे हैं अभी, इसमें बच्चे हैं जो उसके छोटे छोटे कच्चे कच्चे। ये इसके बाद हमारा ये सुगंधरी का पेड़ है, ये भी फूल का पेड़ है, ये बहुत फूल होते हैं इसमें, सुगंधरी बारहमासी भी बोलते हैं इसको, ये 12 महीने हमें फल देते हैं, फूल देता है सॉरी। बहुत सारे अच्छे फूल होते हैं, आप देख सकते हैं 2-3 फूल लगे भी थे अभी इसमें। इसके बाद हमारे पास अगला फूल का फल का पेड़ है कटहल का, ये अभी छोटा है, इसे लगाए हुए अभी 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है यहाँ पे, शायद यहाँ की ज़मीन जो है इतनी उपजाऊ नहीं है, जो जिसलिए ये बहुत धीरे बढ़ रहा है। 2 साल में सिर्फ इतना ही हुआ है, अभी तक तो उसको बहुत हाइट पकड़ लेना था लेकिन नहीं पकड़ा है। इसके बाद ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, इसको भी 2 साल हो गए हैं और ये तो अच्छा खासा हरा है अभी भी गर्मियों में, लेकिन इसकी हाइट अभी भी कम है 2 साल के हिसाब से, वो और बढ़नी थी। इसके बाद हमारे पास केले के फल लगे हुए हैं, केला का पेड़ देख सकते हैं, इसमें अभी फल भी लगे थे लेकिन आंधी की वजह से ना वो फल टूट गए, गिर गया वो पेड़। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये केले का पेड़ लगा हुआ है, मेरे केला है ये, आंधी से कल रात आंधी आई है बहुत तेज, यहाँ आंधी की वजह से ये पेड़ गिर गया है और सारे फल भी ख़राब हो गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये फल टूट कर गिर गए हैं केले से, और अभी ये कच्चे फल ही मुझे रखने पड़ेंगे, वैसे पकेंगे तो नहीं ये, पर अब बर्बाद तो हो ही गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं अभी इनका। और ये साथ में अनार का पेड़ भी लगाया था मैंने, ये अच्छा बड़ा हो चुका है, इस पर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है और उसमें अंडे भी रख दिए हैं, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ चिड़िए का घोंसला बना हुआ है इसमें और अंडे लगे हुए हैं, चिड़िए का घोंसला बन गया है अनार के पेड़ पर। ठीक है, अभी ये बरसात में फलेगा क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि अभी ये फूल दे ही नहीं पा रहा। हाँ, पानी, चलो आखिर में आ जाते हैं हम अपने लास्ट अंगूर के पेड़ पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी इस अंगूर के पेड़ को 2 महीने हुए हैं और ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इसमें खाद पानी की कमी नहीं है, मैं इसमें खुद पानी रोज़ देता हूँ, वैसे उसमें भी देता हूँ, इसमें भी देता हूँ, सारे पेड़ों में मैं ही खुद पानी देता हूँ। और अभी ये पपीते जो अभी इनने तोड़े थे, इसको भी खाएंगे, ये तो अच्छे, इसको धो लेता हूँ, इसको धोने के बाद हम इसको खा सकते हैं, बहुत ही पका हुआ है, अच्छा मज़ा आएगा इसे खाने में। वैसे आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप तो सब देख सकते हैं, इसलिए ठीक है। ये अभी अंगूर के पेड़ पे आते हैं, ये अच्छे पत्तियाँ हो रही हैं इसकी और ये शायद इस 1 साल में शायद फल देने लगेगा या नहीं, पता नहीं।